सुबह सुबह का व्लॉग। ये लड़के बाहर बाइक पर रख के निकाल रहे हैं बाहर। ओए एक मिनट रुको, लड़का एक मिनट रुको, मुझे इसके पीछे। चलो जाओ, टाटा बाय बाय। ऐसे जाओगे तुम लोग एयरपोर्ट बाइक पे? चलो भाई जाओ, ये जा रहे हैं दुबई। नहीं, ये कतर का है भाई। इतनी जल्दी आप दुबई से आ भी गए हैं छोड़ के भाभी को, है? इतनी जल्दी, मुझे लगता खुद भी ऐसे ही जाना है अरसलान ने। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मैडियाडी लाइफस्टाइल। हाँ जी, जैसे कि आपने देखा है स्टार्ट में कि लगेज जा रहा है गाड़ी में, और ये है भाभी की फ़्लाइट। सुबह सुबह का टाइम है, फजर के बाद का, आई थिंक 6 बजे का टाइम था। सुबह में भाभी की फ़्लाइट थी, और ये अदनान और अरसलान बाइक पे रख के बाहर लगेज गाड़ी में रखने के लिए जा रही थी, क्योंकि उठाया नहीं जा रहा था उन लोगों से। और हैरियत से भाभी आई हुई थी कोई 2 वीक्स के लिए, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उनके लिए आई हुई थी बच्चों को वहाँ छोड़ के, इसलिए अब वो अकेली ट्रैवल कर रही थी। मैंने कहा चले जी यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारे घर के 2 फर्ज जा रहे हैं और हमारा घर खाली हो गया। हैरियत से जाएँ, आपको पता है परदेसियों ने तो वापस जाना ही होता है। जो जो जिस मकसद के लिए आया था या गया है, अल्लाह पाक उन सबको उनके मकसद में कामयाब करे और अपने अपने घरों में खुशाबाद रखे। जी ये सुबह का टाइम है, मैंने आपको बताया सुबह 6 बजे भाभी को छोड़ने अदनान के गए थे, और उसके बाद पीछे मामा, मैं, पापा और अरसलान बच गए। फिर लगी हमें भूख, हमने सोचा चलो अरसलान ने भी चले जाना है तो अरसलान के साथ हम हलवा पूरी खाते हैं, क्योंकि हलवा पूरी हमें फिर ला के किसी ने देनी, क्योंकि अदनान तो ला कर नहीं देते, ये काम सिर्फ अरसलान के थे। अरसलान मेरे लिए हलवा पूरी लाए, मम्मा के लिए नान हलवा चने और उनकी पूरी थी। मैंने खा पी के आराम से मैं ऊपर आई तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मौसम था, ठंडा हो गया, लेकिन गर्मी और हबस बहुत थी, बादल आ गए थे, बारिश उसके बाद हुई। मैंने कहा चलो वीडियो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है, एक दिन मॉर्निंग में भाभी की फ़्लाइट थी और नेक्स्ट डे नाइट में अरसलान की फ़्लाइट थी। तब तक मैंने पौधों को पानी वगैरह दिया। ये आम लगे हुए हैं, 7 वाला घर है, उनके दरख्त पे आम लगे हुए थे। मैंने ज़रा फोकस करके आपको दिखाने की कोशिश की, शायद आपको नज़र आ जाए। अभी तो ग्रीन कलर की कैरियाँ हैं, बारिशें होंगी तो फिर वो आम बन जाएंगे, पक जाएगा ना, बारिश से पीला पीला हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा सुहाना सा मौसम था। और जी ये है मेरा लेमन का पौधा जो मैंने काफ़ी देर से लगाया, इस पर अब 1 लेमन लगा है अभी, वो भी ग्रीन कलर का है लेमन। और इसको पौधों को पानी देने के बाद फिर मैं अंदर गई और मैंने अदनान का आयरन स्टैंड पे नाश्ता रख दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था मैंने पूड़ी नहीं खानी, उनके लिए हलवा और नान लेके आया था अरसलान। मैंने कहा मैं तो अब सोने लगी हूँ, आके वो खुद ही खा लेंगे, पता नहीं उनको कितना टाइम लगे जब तक भाभी की अंदर से कॉल नहीं आती, क्लियर हो गया, इमिग्रेशन से फारिग हो गई हैं तो फिर। और मैं इसी लगा के सो गई। नेक्स्ट डे उठे, क्योंकि नाश्ता करके हम सो गए हुए थे। उसके बाद ये मैंने देसी घी बनाया था, इसकी रेसिपी भी मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। देसी घी का पराठा बनाया, मैं कहा एक दिन रह गया चलो अरसलान को देसी घी का खिला दूँ। और ये अरसलान की फेवरेट दाल बनी थी, दाल माश, समझ नहीं आ रही थी क्या करें। खाना खाया और उसके बाद रात में ठंडा ठंडा फलूदा। ये सब कुछ अरसलान के लिए हो रहा था, क्योंकि अभी अरसलान जा रहा था, फिर पता नहीं वापस हैर से कब आएगा, तो चलो अरसलान के साथ ही थोड़ी सी याशी हम लोग भी कर लेते हैं। गर्मी बहुत थी, खबस बहुत ज़्यादा था, फिर हमने ठंडा ठंडा रात में फलूदा खाया, और इस तरह ही हमारा सारा दिन गुजर गया। अरसलान की पैकिंग हो गई, ये अरसलान का सामान उसके दोस्त वगैरह उठा के रख रहे हैं मोमिन गाड़ी में, ये उसकी हैंड कैरी है। और जी इस तरह ही करते करते एक दिन भी गुजर गया और अरसलान के भी जाने का वक्त आ गया। अरसलान को अदनान समझा रहे हैं ये पैसे अपने पास रखो, अगर अंदर देने पड़ गए, कोई चीज़ खानी पड़ गई, ज़रूरत हो तो रख लेना। मैं कहा चलो यहाँ पे मिल मुल भी लो, मेरा ब्लॉग बन जाएगा। तो यहाँ पे अरसलान की जाने की तैयारी है माशाल्लाह से, खाना शाना खा के तैयार शार हो गए। अरसलान रेडी स्टडी करा था कि मैं हैरियत से एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ, लेकिन यहाँ पे अदनान का बैली मिल रहा है, उसको छेड़ रहे हैं कि अरसलान मेरा बैली तेरे साथ मिल रहा है, उसकी हंसी निकल आई थी। ये मामा आई हैं,
असलान के फेस लग रहा है असलान मामा को मिलता हुआ, थोड़ा सा रोने वाला हो गया, फीलिंग सैड सैड हो गई है असलान की। लेकिन नहीं, बड़ा हिम्मत वाला बच्चा है हमारा, हमारे घर की रौनक, हमारा छोटा, सबसे छोटा बच्चा जो चला गया और सच में हमारा घर खाली हो गया। रौनक होती अपनों से ही, इंसानों से ही, और अल्लाह पाक इसको खुश रखे। ये गली में काले काले हम लोग लग रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं थी, इसीलिए रात 10 बजे की अरसलान की फ़्लाइट थी। अरसलान को छोड़ने सारे उसके दोस्त कज़न सब आए हुए थे उसको मिलने के लिए, फिर सारे उसको बाहर तक सी ऑफ करने के लिए गए। एयरपोर्ट तो सिर्फ आपको पता है एक या दो जितने ही जा सकते हैं, इसलिए हम में से कोई भी नहीं गया। अदनान गए थे क्योंकि उन्होंने ड्राइविंग करनी थी। अरसलान के साथ साथ में मोमिन और मोइज़ गए थे, हाँ दोनों इसके कज़न्स और जो फ्रेंड हैं इसके सेम एज के हैं ये लोग, और माशाल्लाह बहुत खुश था अरसलान भी। गाड़ी रेडी थी, सामान वगैरह रख लिया था। एक फ़्लाइट आप लोगों ने देखी मॉर्निंग की, दूसरी फ़्लाइट आप लोग देखें नाइट की। और अपनी दुआओं में आप लोग याद रखिएगा कि खैरियत से अरसलान पहुँचे। पता नहीं आप लोगों के पास मेरा व्लॉग कब तक पहुँचता है, शायद तब तक अरसलान पहुँच गया हो, क्योंकि लाइट बहुत जा रही है, बहुत ज़्यादा जा रही है। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है और कभी लाइट नहीं होती। फिर से जाते जाते एक दफ़ा फिर मम्मा ने कहा मैं मिल लूँ अरसलान से। फिर अरसलान को छोड़ के फिर हम लोग अंदर आए। और साथ साथ आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी दुआओं से इन दोनों को रुखसत कीजिएगा, भाभी को कतर और अरसलान को दुबई। जी ये अब फाइनली जा रहा है अरसलान। वॉइस ओवर मैंने क्या कर दूँ क्योंकि बाहर गाड़ियों का शोर और ये वो बहुत सारा था, इसीलिए मैंने ऊपर वॉइस ओवर कर दी। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी मुझे फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम का आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। चले जी फाइनली गुड बाय अरसलान, खैरियत से जाए, फी अमान अल्लाह। अल्लाह पाक सब परदेसियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और उन्हें कामयाब करे और खैरियत से पहुँचे अपनी अपनी मंजिलों पे। जी उसके बाद अरसलान को छोड़ के आने के बाद जी हमें तो याद भी नहीं था कि फादर्स डे है, और ये जो छोटी छोटी हमारी टिड्डीज हैं ना इनको याद था। इन्होंने क्या किया, अपने बाबा से खुद ही पैसे लेके खुद ही उनके लिए एक एक पेस्ट्री लेके आई, चॉकलेट्स लेके आई, उन्होंने डेकोर किया जाके बाबा के साथ ही अपने लेकर आई है मारूश और हिब्बा दोनों, और कहती हैं आप भी हमें प्लेट दे दें, हमने सरप्राइज़ करना है। मैं क्या पता नहीं क्या सरप्राइज़ करना है जी। उन्होंने अपने बाबा के लिए फादर्स डे के लिए डिकोर की पेस्ट्रीज और उन्होंने फादर डे सेलिब्रेट कर लिए। इस बार हमने सेलिब्रेट नहीं किया, इन बच्चियों ने कर लिया है। बच्चियों की यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं माशाल्लाह। उनको याद था, उनके जहन में था। दोनों की सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी, चॉकलेट्स की भी और पेस्ट्री की भी। एक की चॉकलेट फज थी और एक की थी कैडबरी। दोनों की बहुत मज़े की, टेस्टी टेस्टी थी। चलें जी इसके साथ इधर देखो बच्चियों किचन में खड़ी हैं दोनों। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिडियां मेरी अल्लाह हाफिज और आगे प्यारी रेडी की है। थैंक यू फादर्स डे की सेलिब्रेशन। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे जी। अबे मिलो, हे भाभी बाबा को मिलो। चलो चलो 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी। देखो उन्होंने पता कितना वेट किया इस चीज का, दोनों दोनों अपने फादर को। हां
वाह भाई वाह, जबरदस्त। आए अल्लाह जी, कभी कभी खा लेना, ठीक है। आ रही हूँ, आकर देखिए।